पंजाब कुर्बानियों का स्टेट है, 90% कुर्बानियां देश की आजादी के लिए पंजाबियों की हैं। आज भी हमारा कोई गांव नहीं होगा पंजाब का, 13,500 गांव हैं, एक भी गांव नहीं होगा जहां किसी ना किसी शहीद का बुत ना लगा हो, कोई उसकी याद में गेट ना बना हो, चाहे वो कारगिल की लड़ाई का हो, चाहे आजादी की लड़ाई का, चाहे 65 का, चाहे 71 का, चाहे 62 का, कोई ना कोई शहीद है। और हर तीसरे गांव में कोई ना कोई गुरु चरण, उनके चरण शो प्राप्त धरती है। और पंजाबी वतन प्रस्त हैं, देश के लिए लड़े, और ये क्या कर रहे हैं, सिला क्या दे रहे हैं। हमने 3 झांकियां 26 जनवरी की परेड के लिए दी, एक में भगत सिंह, देश की कुर्बानी, पंजाब की कुर्बानियों का इतिहास उसका टाइटल था, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराबा, महाराजा रणजीत सिंह, जलियांवाले बाग का जो कांड हुआ सब था उसमें। दूसरे में माई भागो, फर्स्ट लेडी सिख वॉरियर, फर्स्ट माई भागो जो लड़ी, बहुत दलेरी से लड़ी। और तीसरा था पंजाब का कल्चर, हमारा जो लंगर की प्रथा, हमारा जो फुलकारियां, हमारा गिद्दा भंगड़ा, तीनों रिजेक्ट कर दी भाई साहब। पंजाब की झांकी नहीं थी 26 जनवरी में, क्या पंजाब आजादी के जश्न 15 अगस्त 26 जनवरी पंजाब के बिना मना लोगे? ये कौन होते हैं भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले, ये कौन होते हैं करतार सिंह सराबा को, लाला लाजपत राय को रिजेक्ट करने वाले? देश के मालिक बन के बैठ गए, देश इनके बाप की जगीर है क्या? हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी, हमको देश लेके दिया, और ये बैठ गए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, वहां जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं। पंजाब कुर्बानियों का स्टेट है, 90% कुर्बानियां देश की आजादी के लिए पंजाबियों की हैं। आज भी हमारा कोई गांव नहीं होगा पंजाब का, 13,500 गांव हैं, एक भी गांव नहीं होगा जहां किसी ना किसी शहीद का बुत ना लगा हो, कोई उसकी याद में गेट ना बना हो, चाहे वो कारगिल की लड़ाई का हो, चाहे आजादी की लड़ाई का, चाहे 65 का, चाहे 71 का, चाहे 62 का, कोई ना कोई शहीद है। और हर तीसरे गांव में कोई ना कोई गुरु चरण, उनके चरण शो प्राप्त धरती है। और पंजाबी वतन प्रस्त हैं, देश के लिए लड़े, और ये क्या कर रहे हैं, सिला क्या दे रहे हैं। हमने 3 झांकियां 26 जनवरी की परेड के लिए दी, एक में भगत सिंह, देश की कुर्बानी, पंजाब की कुर्बानियों का इतिहास उसका टाइटल था, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराबा, महाराजा रणजीत सिंह, जलियांवाले बाग का जो कांड हुआ सब था उसमें। दूसरे में माई भागो, फर्स्ट लेडी सिख वॉरियर, फर्स्ट माई भागो जो लड़ी, बहुत दलेरी से लड़ी। और तीसरा था पंजाब का कल्चर, हमारा जो लंगर की प्रथा, हमारा जो फुलकारियां, हमारा गिद्दा भंगड़ा, तीनों रिजेक्ट कर दी भाई साहब। पंजाब की झांकी नहीं थी 26 जनवरी में, क्या पंजाब आजादी के जश्न 15 अगस्त 26 जनवरी पंजाब के बिना मना लोगे? ये कौन होते हैं भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले, ये कौन होते हैं करतार सिंह सराबा को, लाला लाजपत राय को रिजेक्ट करने वाले? देश के मालिक बन के बैठ गए, देश इनके बाप की जगीर है क्या? हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी, हमको देश लेके दिया, और ये बैठ गए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, वहां जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं।